हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे यूपी एएनएम और फ्रेंड्स सीएचओ और फ्रेंड्स सीएनएचएम और फ्रेंड्स आल एग्ज़ाम, जैसे दोस्तों आरआरबी हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आल एग्ज़ाम इसलिए करें, देखिए दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में जैसे फ्रेंड्स पोस्ट आ रही है 10,000 पोस्ट प्लस। और यहाँ पर भी बात करेंगे यूपी सीएचओ के, देखिए आपको हम इसी वजह से दोस्तों, देखिए यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको दोस्तों तैयारी करा रहे हैं, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि देखिए हम जो भी क्वेश्चन आपको कराते हैं 100% ये भी बताते हैं कि दोस्तों किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया। और देख सकते हैं यहाँ पे जो ये एग्ज़ाम जो लगा है आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम दोस्तों 2019 में सेकंड शिफ्ट में, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 21/7/2019 में। तो यहाँ पे देख लीजिएगा हम आपको प्रूफ के साथ पूरा पढ़ाते हैं 100% जो भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। और यहाँ पे भी बताएंगे यूपी ट्रिपल एससी जो भी कैंडिडेट एएनएम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, देखिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। और सीएचओ के लिए भी, यूपी सीएचओ की भी भर्ती आ रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन से देखते हैं और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट करें प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे जो कि दोस्तों 89 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं आरआरबी स्टाफ नर्स, देख सकते हैं यहाँ पे एग्ज़ाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी क्वेश्चन लिए हैं और यूपी सीएचओ के भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस वर्ग की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग जो है सफ़ेद हो जाता है। हम कोई वजह से दोस्तों मानो दोस्तों जैसे बाल पक जाते हैं वो पूछा गया है, बाल पकने के लिए बालों का रंग दोस्तों क्या होता है, सफ़ेद हो जाता है, मतलब बाल पक जाते हैं, हमको ये बताएं किस अनुपस्थिति के कारण से मानो का बाल। देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शंस ए या ऑप्शंस बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, आप लोग जल्दी से बताइएगा। देखिए बालों का पकना बहुत ही, अब यह इधर पर दोस्तों देखा जाए तो आम बात हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट का जो है बाल पक जा रहा है, तो आप लोग बताइएगा जल्दी से। तो यहाँ पर हो जाएगा जो कि ऑप्शंस ए से हो जाएगा मेलानिन, जो कि यहाँ पे मेलानिन है जो कि फ्रेंड्स इसी की वजह से जो दोस्तों अनुपस्थिति के कारण जो है जो कि यहाँ पे बालों का सफ़ेद हो जाता है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचओ में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखा जाए, देखिए यहाँ पर देख लीजिएगा अगर दोस्तों यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन बात करें, देखिए के एन वी एस में दोस्तों स्टाफ नर्स 12/1/2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, मैगेस्टिक जो है लैंग्वेज एक प्रक्रिया है जिसे धोने या हाई इरीगेशन करने के लिए जो किया जाता है, बताइएगा आप लोग जल्दी से। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो ये जो हो जाएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये जो हो जाएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑप्शन जो कि यहाँ पे सी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा सी पेट है जो कि सी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टोमिस जो कि इंग्लिश में कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आईएमपी है, देख लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं यहाँ पे 91 ओरल जो है ओरल यूकोसा की सूजन को कहा जाता है, बताइएगा क्या कहा जाता है, ऑप्शंस ए या ऑप्शंस बी या ऑप्शन सी या ऑप्शंस डी, 91 नंबर का जल्दी से बताइएगा। तो इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पे बी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा स्टोमेटाइटिस जो कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 90/92, देखिए यहाँ पे इसको अगर बात करें, देखिए थंबनेल में भी ये क्वेश्चन लगाए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आरआरबी स्टाफ नर्स में एग्ज़ाम जो है 21/7/2019 में क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग बताइएगा जल्दी से, तो ओमीबिक जो होता है पेचिस जो है डैश के कारण होता है, देखिए इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप लोग जल्दी से बताइएगा ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से आप लोग बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। तो ये जो हो जाएगा बहुत सारे कैंडिडेट को पता भी होगा और ये आईएमपी क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एससी की बात कर लीजिए, यूपी ट्रिपल एससी एएनएम में क्वेश्चन पूछा गया है एएनएम में और सीएचओ में भी, तो आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे 92 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पे ए से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा एट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पे ए से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगर बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 93 के, देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 93 नंबर, देख सकते हैं यहाँ पे जल्दी से आप लोग बताते हुए चलिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है बीमारी हाइड्रोफोबिया से जुड़ी है, बताइएगा
कौन सी बीमारी जो हाइड्रोफोबिया से जुड़ी। देखिए DSSB जो है स्टाफ नर्सिंग नर्सिंग 28/8/2019 में देखिए फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। और आप लोग वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे जल्दी से देखिए रेबीज दिया हुआ है, उसके बाद रूवेला या फिर रिकेट्स या फिर डेंगू बुखार, जल्दी से आप लोग बताइएगा। तो यहाँ पे जो 93 नंबर का हो जाएगा जो कि होता है दोस्तों रेबीज जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो कि ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 94 क्या है, देख लीजिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी जो बीमारी आमतौर पर बच्चों में नहीं होती है। जैसे कि ऐसी कौन सी चार ऑप्शन से हमको बताना है कि दोस्तों आमतौर पर जो है बच्चों को नहीं होती है, बच्चों को आमतौर पर अगर देखा जाए तो बच्चों की बीमारी होती ही नहीं है। देखिए DSSB जो है स्टाफ नर्सिंग 30/8/2019 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बताइएगा कमेंट करके चैट सेशन में भी बताते हुए चलिएगा, जल्दी से बताइएगा। तो ये जो हो जाएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे जो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। देखिए यही जो है जो आमतौर पे बच्चों में नहीं होता है, अगर बात कर लेते कि बच्चों में पूछा गया बच्चों में नहीं होता तो यही जो है ऑप्शन से बी हो जाएगा। और सब अगर आमतौर पर तो काली खांसी भी हो जाती है, खसरा भी हो जाती है, डायरिया जो होता है ये भी हो जाता है, लेकिन ये नहीं होता आमतौर पर बच्चों को, ये बुजुर्गों को होता है बड़े लोगों को होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर बात कर लेते देखिए ऑप्शन अभी हम दिखाएंगे। देखिए ऑस्टियोपोरोसिस के पीड़ित एक वृद्ध महिला में किस समस्या का खतरा है। देखिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा और चलिए हम ऑप्शन दिखाते हैं आप सभी को और वीडियो को लाइक शेयर करते हुए चलिएगा। चलिए एक ऑप्शन देख लीजिए, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आप लोग बताइएगा जल्दी से, ऑप्शंस ए या ऑप्शंस बी या ऑप्शंस सी या ऑप्शंस डी। देखिए SSB DD DNA स्टाफ नर्स एग्जाम 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है, बताइएगा जल्दी से आप लोग। तो ये जो हो जाएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा अस्थि भंग जो कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पे सी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ब्रोन जो है फर कर्स जो कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो कि यहाँ पे सी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 95 के अगर डिटेल्स आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो रोक के देख सकते हैं, यहाँ पे पूरे डिटेल्स में दिया हुआ है तो आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहले इसको क्वेश्चन को बता देते हैं। देखिए 96 नंबर, उसकी कमी के कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस होता है, किसकी कमी के कारण। देखिए यहाँ पे देखिए RRB स्टाफ नर्स एग्जाम दोस्तों 20/7/2019 में से थर्ड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से आप लोग बताइएगा। और जो भी कैंडिडेट अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से आप लोग बताइए। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 96 नंबर का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन जो कि यहाँ पे बी से जगह कैल्शियम, बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये UP 3SC ENEM में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं और भी अदर्स भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं RRB में बहुत बारे क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, देख सकते हैं यहाँ पे मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है। देखिए ESIC में जो दोस्तों स्टाफ नर्स में 2016 में देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन 2016-17 में, देखिए दोनों बारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है, देख लीजिएगा दोनों बारे क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2016 और 2017 दोनों में ESIC में स्टाफ नर्स में, जल्दी से आप लोग बताइएगा। और देख सकते हैं यहाँ पे मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक है, बताइएगा ऑप्शंस ए या फ्रेंड्स ऑप्शंस बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, जल्दी से आप लोग बताइएगा 97 नंबर का। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इंसुलिन की कमी जो कि फ्रेंड्स होता है इंसुलिन की कमी, यहाँ पे डैश डैश की जगह यहाँ पे इंसुलिन की कमी भरा जाएगा जो इस जगह पे, देखिए इंसुलिन की कमी इस जगह पे भरा जाएगा जो दोस्तों मधुमेह के मुख्य कारणों में से एक जो है इंसुलिन की कमी है जो कि यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर बात करें देखिए इंसुलिन के बारे में थोड़ा जानकारी दिया हुआ है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। तो इंसुलिन कमी देख सकते हैं यहाँ पे, तो हम लोग चलिए यहाँ पे आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98, कल हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। देखिए तपेदिक के लिए जो है जिम्मेदार जीवाणु कौन है, बताइए कि तपेदिक के लिए हमसे पूछा गया जीवाणु जो है कौन है जिम्मेदार कौन है,
ऑप्शंस ए या ऑप्शंस बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। देख सकते हैं किस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे, आर पी एस सी जो है नर्सिंग टूलर जो है एग्जाम 2009 में, देख सकते हैं यहाँ पे जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वही क्वेश्चन करा रहे हैं 100% आपके। और यूपी ट्रिपल एस सी ए एन एम में क्वेश्चन पूछा गया, एन एच एम में आपकी बार 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था स्टाफ नर्स में। तो ये जो हो जाएगा जो कि ऑप्शन जो कि बी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन से बी से हो जाएगा, बार बार करें जहाँ के यहाँ पे ऑप्शन से बी से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और वीडियो को जो भी कैंडिडेट अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट रह जाता है एक्स वाई जेड आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक दोस्तों, खुश रहा करिएगा, आज के लिए इतना ही और खुश रहा करिएगा।